गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में जहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज आपकी होती हैं या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बिकॉज प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो काफी पास आ चुका है और जो 10 टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आदित्य एल1 के बारे में जानेंगे हम, चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में, रोपेक्स चैटी, WPI को लेकर एक एक क्वेश्चन होने वाला है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, अभिजीत सिन्हा कमेटी, CMS, ब्लैक सी आइलैंड एंड MK4482 को लेकर भी हमारा जो एरियाज हैं जो न्यूज़पेपर में दिए गए थे उसको आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, और जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के भी मैसेजेस मेरे पास आते हैं। जो मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूं कि आप जो अदर देन यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब पीपीएससी पीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर गुजरात में भी अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स को ये जो एमसीक्यूज हैं पीसीएस एग्जाम के अंदर भी काफी हेल्प कर रहे हैं। तो आप अगर पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप उस एग्जाम को जाकर दे सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन एमसीक्यूज को जरूर फॉलो करिएगा और सीरियसली इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि यूपीएससी हो या पीसीएस हो ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे उस एग्जाम को क्रैक करने के अंदर। और जो करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका होगा और जो ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं जो कि करंट अफेयर से एसोसिएट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से काफी सारे करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, कई बार हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी ऐसी चीजें जो कि न्यूज़पेपर में आती है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये एमसीक्यूज आपको काफी हेल्प करेंगे। और आपकी यहां पर रिक्वेस्ट के ऊपर ही हमने जो आपका रिवीजन सीरीज थी उसको भी शुरू कर दिया, तो इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो आपको आपकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पे शो होंगे, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। करने का तरीका यही है कि मेरे आंसर देने से पहले आप इसमें आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ रिकॉल करने के साथ आपको जो दूसरी चीज करनी है वो ये है कि यहां पर एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इस एग्जाम को 2021 के अंदर ही देने जा रहे हैं और आप एक फास्ट ट्रैक वे में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप 50 डेज रिवीजन सीरीज जो इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसमें 50 डेज में आपको वीडियोस, इसमें दो ही चीजें आपको दी गई हैं, इसमें आपको वीडियोस दिए गए हैं और फॉलोड बाय एमसीक्यूज, क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यूज ही सोल्व करने होते हैं। तो इस 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस जो है 50 डेज के अंदर कराई जाएगी, साथ ही साथ मतलब 100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको रोज कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो वीडियोज है डेली बेसिस पे काफी छोटे छोटे 15 से 20 मिनट के जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें कि आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को कवर किया गया है, दोनों की आपकी जो रिवीजन है वो इसके अंदर होने वाली है। तो अगर यहां पर शुरुआती दौर में आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, तो एक क्रैश कोर्स के तौर पर आप इस सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं और इस सिलेबस को भी आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये तो बताता ही रहता हूं कि मॉक टेस्ट अगर आपने देना शुरू किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम 50 मॉक टेस्ट आप लगा के जाइएगा, टारगेट लेके चलिएगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं आपको यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसमें एनरोल करा के, लेकिन सिर्फ एनरोल नहीं कराना है, आपको मॉक टेस्ट एक्चुअल में करने भी है, अदरवाइज एनरोलमेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑलरेडी अगर आपने एनरोल किया हो तो मॉक टेस्ट को जरूर करें और उसे एनालाइज जरूर करें, ठीक है, बिकॉज यहां पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना जरूरी है कि आपके जो मार्क्स कट रहे हैं वो कहां पर कट रहे हैं, क्या नॉलेज गैप की वजह से मार्क्स कट रहे हैं, क्या इकोनॉमिक सेक्शन में मार्क्स कट रहे हैं, आपके ज्योग्राफी सेक्शन में मार्क्स कट रहे हैं, कहां पर आपके मार्क्स कट रहे हैं, क्या मिसरीडिंग आप ज्यादा कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में ABCD में मार्किंग करने में गलती कर रहे हैं। ये चीजें हर इंडिविजुअल कैंडिडेट की यूनिक होती है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जो उनकी शॉर्टकमिंग्स होती है, और ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप एनालिसिस करते हैं। सिर्फ एक मॉक टेस्ट को करने के बाद आपको पता चला कि आपने उसमें 89 का स्कोर किया है या फिर 109 का स्कोर किया, इतना काफी नहीं है, एनालिसिस करना काफी जरूरी है, वो आपको डेली बेसिस पे करना है जब आप मॉक टेस्ट को देते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट यहां पर आप लेके चल रहे हैं। आपको पता है यहां पर जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता देता हूं कि यहां पे 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज को करेक्ट करना जरूरी है टू बी इन द सेफ जोन, अदरवाइज आप जितना भी 10 में से टारगेट सेट करना चाहते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, आप टारगेट सेट कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आदित्य L1 को लेकर है, न्यूज में था, पूछा गया आदित्य L1 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है आदित्य L1 जो है ये 7 पे लोड्स को अपने साथ लेकर जाने वाला है, हो सकता है। सेकंड कहती है एरीज विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट्स लॉन्च, तो जो एरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर निभाने वाला है। एंड आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर ASC जिसको कहा गया विल प्रोवाइड ट्रेनिंग थ्रू रेगुलर वर्कशॉप फॉर द गेस्ट यूजर्स, तो इसमें एक ASC भी बनाया जा रहा है जिसके अंदर ट्रेनिंग जो है उसका प्रावधान रखा गया। जल्दी से बताइए, चलिए देखिए, इंडियन प्रोग्राम है
आदित्य एलवन, विच इज टू स्टडी द सन एंड द रीजन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. तो यहाँ पे सन की स्टडी करने के लिए और जो सन और अर्थ के बीच का रीजन है उसको स्टडी करने के लिए फ्रॉम द स्पेस आदित्य एलवन जो है इसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाना है. इन जनवरी 2021 एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था और उसके अंदर कहा गया था बेसिकली एक प्रपोजल जो था वो सबमिट किया गया था एरिस के द्वारा, एरिस की टीम के द्वारा. एरिस की फुल फॉर्म क्या है, अभी दो दिन पहले ही हमने एरिस के ऊपर एक क्वेश्चन किया था तो आप मुझे बताइएगा एरिस की फुल फॉर्म कॉमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको याद है. तो नहीं है तो गूगल करके इसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. जो क्वेश्चन मैं आपसे बीच बीच में पूछता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए उसको इग्नोर मत करिए, वो चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है. अगर पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आंसर करें, नहीं पता है तो उसे सर्च करके क्यूरियोसिटी दिखा के उसको आंसर करने की कोशिश करिएगा. इन जनवरी 2021 एक प्रपोजल एरीज के द्वारा सबमिट किया गया था एरीज टीम के द्वारा और यहां पर कहा गया था 4 to 5 पर्सनल दिस सेंटर विल कम अप एट हल्द्वानी. तो एरिस के अंदर इसका एक जो सेंटर है वो एस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी, एरिस के द्वारा इसे एस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी हल्द्वानी के अंदर. ठीक है, एरिस जो है यहाँ पे एक डेटा सेंटर भी जो है वो बनाने जा रहा है. आदित्य एलवन सपोर्ट सेंटर दैट इज ASC जो है वो यस यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर वर्कशॉप के थ्रू गेस्ट यूजर्स को प्रोवाइड करेगा एंड यहां पर इसके अलावा रेडी टू यूज पाइथन एंड जावा एप्स फॉर द सेटेलाइट डेटा एंड डेमोज जो है वो भी यहां पर गेस्ट यूजर्स को फैसिलिटेट किए जाएंगे तो सिखाए जाएंगे. अगर हम आंसर की बात करें तो यस इसके अंदर 7 पेलोड्स को कैरी किया जाएगा. एरीज का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और इसके अंदर ASC को भी यहां पर एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है रेगुलर ट्रेनिंग के लिए. आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर आदित्य एलवन को लेकर ठीक है जिसको कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने की बात करी जा रही है. चलते हैं आदित्य एलवन से आगे बढ़ते हुए हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन में किस चीज की बात करी जा रही है जो कि चोलिस्तान डेजर्ट को लेकर है. चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड एट, चोलिस्तान डेजर्ट कहां पर लोकेट करता है, क्या ये पाकिस्तान में है, भारत में है, UAE में है या फिर सऊदी अरेबिया में है. रिसेंटली चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो न्यूज में था क्योंकि यहां पर अभी एक न्यूज आई थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB जिसे कहते हैं, आप जानते हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो इंडिया में तो मिलता ही है, पाकिस्तान के अंदर भी उसके वेस्ट बेसिकली हमारा वेस्टर्न रीजन उनका ईस्टर्न रीजन वहां पर पाया जाता है. पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में यहां पर बेसिकली जो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको, दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शूट किया गया था अभी. तो यहां पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी कि आप इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, GIB जो है दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक राज्य का स्टेट बर्ड है. किस राज्य का स्टेट बर्ड है, राजस्थान का ये एक स्टेट बर्ड है ध्यान रखिएगा, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड इसे माना जाता है. और इसी वजह से चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर जब ये इस तरीके का इंसिडेंस हुआ और जो कि यहां पे शूट किया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो काफी दुखदायी न्यूज थी, लेकिन जो लोकेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है. तो आंसर क्या होगा आपका, ए चोलिस्तान डेजर्ट जो है इसे लोकली रोही कहा जाता है. ठीक है, ROHA रोही भी कहा जाता है. एक लार्ज डेजर्ट है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ जो पाकिस्तान की साइड वाला पंजाब है वहां पर लोकेट करते हैं. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ग्रेट थार डेजर्ट जो कि एक्सटेंड होता हुआ पाकिस्तान की साइड पे जाता है एंड यहां पर भी आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे कि राजस्थान में मिलते हैं यहां पर भी मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा. और साथ ही साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे इसको लेकर मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मैप रिलेटेड क्वेश्चन वैसे सिंपली यहां पर पूछा जा सकता है. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चोलिस्तान डेजर्ट जो है थार डेजर्ट का एक्सटेंशन. आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट कहां पर आया, अभी न्यूज में था रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट रिसेंटली क्या उड़ीसा में आया है, वेस्ट बंगाल में आया है, गुजरात में या फिर तमिलनाडु के अंदर, बताइए. चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो है इसने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है फॉर द डेवलपिंग ऑल वेदर रोपेक्स दैट इज रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कनिनली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट एंड साथ ही साथ तालाचुआ इन केंद्रापाड़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर इन एरियाज को सागरमाला इनिशिएटिव के अंदर कनेक्ट करने वाला है. ठीक है, तो यहां पर जो रिसेंटली अप्रूवल जो आया है यहां पर वो किसके अंदर दिया गया है, उड़ीसा के लिए ये अप्रूवल जो है वो दिया गया है. तो यहां पे ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो अभी अभी आया है और ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए रोपेक्स ध्यान रखिएगा, रोपेक्स इट स्टैंड फॉर रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी ऑल वेदर प्रोजेक्ट. चलते हैं उड़ीसा से आगे बढ़ते हुए, एक बार मैप पे भी देख लीजिएगा. सो यहाँ पे जो एरियाज हैं भद्रक मैंने आपको बताया है, कनिनली बताया है, देन केंद्रपाड़ा आपको मैंने बता दिया, तालाचुआ बता दिया. ठीक है, तो यहां पर इसको लेकर आया जा रहा है, दिस इज बे ऑफ बंगाल ध्यान रखिएगा. अगर आप वैसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसकी जो टोटल कैपिटल कॉस्ट बताई जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट की वो
10 करोड़ के आसपास की बताई है, जिसमें रोपेक्स जेटी जो है उसको यहां पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए जो पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का जो टाइम 6 घंटे उनको लगा करता था वो अब रिड्यूस होकर कितना लगेगा, 1 आवर, 6 घंटे से कम होकर टाइम 1 घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है WPI को लेके, होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर पूछा गया है। WPI को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, WPI को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। द WPI ट्रैक्स प्राइसेस एट द होलसेल और फैक्ट्री गेट मंडी लेवल्स। तो WPI क्या ट्रैक करता है वो बताया हुआ है कि कहां के होलसेल प्राइसेस को जो फैक्ट्री गेट के मंडी लेवल पे कैलकुलेट किए जाते हैं उसके बेसिस पे WPI को लेके आया जाता है। ये बेसिकली बेसिक प्राइसेस को यहां पर ट्रैक करता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस एंड रिटेल मार्जिन नहीं होते हैं, ये भी पॉसिबल है। WPI पर्टेन्स टू गुड्स एंड सर्विसेज, WPI जो है वो गुड्स और सर्विसेज को पर्टेन करता है। चलिए तो अभी न्यूज में CPI और WPI के बारे में बताया हुआ था और WPI CPI के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया था। काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन UPSC में पहले भी WPI CPI के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आ सकते हैं बिकॉज ये आपके जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है। देखिए दो तरीके की इकोनॉमिक्स है, एक इकोनॉमिक्स जिसमें आपकी बुक्स लिखी गई है जिसमें इन्फ्लेशन क्या होता है, WPI CPI क्या है, ऐसी चीजें जो कि स्टैटिक नेचर की है इन सबको दिया गया है। दूसरा आपका इकोनॉमिक होता है जो कि करंट इकोनॉमिक्स होता है, जो कि आपको न्यूज पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है कि रेट्स को कैसे बदला जा रहा है, कितनी कितनी रेट्स करी जा रही है, और इकोनॉमिक्स के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है उसके बारे में बताया जाता है, कोई आरबीआई की कोई नई डायरेक्टिव्स या नई पॉलिसीज आती है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये आपका स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बात करी जाए होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन जो होता है वो WPI के द्वारा मेजर किया जाता है या फिर कहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। यहां पर देखा गया था इट शॉट अप टू 7.39% इन मार्च ऑन ईयर बेसिस, तो मार्च के अंदर 7.39% जो था वो शॉट अप हो गया था। WPI ट्रैक करता है प्राइसेस को होलसेल या फिर फैक्ट्री गेट मंडी लेवल के ऊपर, पहली स्टेप में आपकी ठीक हो जाती है। ये प्राइसेस को ट्रैक करते हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस, रिटेल मार्जिन नहीं होते हैं, तो सेकंड स्टेप में आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो CPI के अंदर किया जाता है। CPI में आपकी गुड्स भी होती है और सर्विसेज भी होती है, लेकिन WPI जो है इसके अंदर आपकी गुड्स होती है, सर्विसेज को नहीं कंसिडर किया जाता। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मैंने आपके लिए एक इन्फोग्राफिक भी दिया है जो कि जब PPT आपसे शेयर होती है तो इस इन्फोग्राफिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स के अंदर उनको सेव भी कर लीजिएगा ताकि WPI CPI के बारे में आपको और भी बेहतर जानकारी मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो इसको लॉन्च किया गया है, UNDP के द्वारा, UNFPA के द्वारा, UNGA के द्वारा या फिर UNSC के द्वारा, बताइए। चलिए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फ्लैगशिप स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है उसको यहां पर लाया गया है, और क्या कोई मुझे इस बार का टाइटल बता सकता है? तो आंसर तो आपका UNFPA हो जाएगा, लेकिन इस बार का टाइटल इस रिपोर्ट का अगर कोई बता पाए सो दैट वुड बी रियली वेल। दिस इज द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट हैज फोकस्ड ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी defined as the power and agency to make choices about your body without the fear of violence or having someone else decide for you. तो हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर हमारा ही राइट है, बिना किसी डर और वायलेंस के अपनी बॉडी को लेकर हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा इस बार की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का टाइटल भी है जिसका टाइटल है माई बॉडी इज माई ओन। कई बार डायरेक्टली इस तरीके से टाइटल भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए कि किसके द्वारा रिपोर्ट लाई गई है, टाइटल क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नियरली हाफ द वुमेन फ्रॉम 57 डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर बॉडीज, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, इंक्लूडिंग जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करना है नहीं करना है, हेल्थ केयर को सीक करना है कि नहीं करना है, और इसके अलावा भी जो बॉडीली डिसीजंस होते हैं, ऐसा बताया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं 57 डेवलपिंग कंट्रीज वहां पर 50% वुमेन के पास ये राइट ही नहीं है कि अपनी बॉडी को लेकर वो डिसीजन ले सके, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन के यूज को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ केयर को लेकर हो, या फिर वो सेक्सुअलिटी को लेकर हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। टाइटल मैंने आपको बता दिया, कौन लेकर आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2021 के लिए तो मैंने आपको बता दिया आप रिवीजन सीरीज के लिए जा सकते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग 2022 में एग्जाम देने वाले हैं वो अगर क्रैश कोर्स को एनरोल कराना चाहते हैं तो क्रैक UPSC एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर, या फिर क्रैश कोर्स
जो हमारा 200 डेज का कोर्स है उसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग बिल्कुल ए से लेके जेड तक तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मिशन यूपीएससी 2022 का कोर्स है, जिसमें आपको एनसीईआरटी से लेके जो आपकी बेसिक बुक्स होती हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। सो यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 या फिर मिशन यूपीएससी 2023। तो क्रैश कोर्स और मिशन यूपीएससी में डिफरेंस यही है कि क्रैश कोर्स में उन लोगों को एनरोल कराना चाहिए जिनको पहले यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, बेसिक चीजें एनसीईआरटी वगैरह उन्होंने कवर करी है, तो वो 100 या 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से अपनी फाउंडेशन बना के चलना चाहते हैं, वो मिशन यूपीएससी 2022 या 2023 के लिए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभिजीत सिन्हा कमेटी को लेकर पूछा गया। अभिजीत सिन्हा कमेटी किस चीज से रिलेट करती है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर है, ऋण को लेकर है, एनआरसी को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही एरिया को लेकर है? जल्दी से बताएं। चलिए तो रिसेंटली नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसे कि जेसीसी कहा जाता है, इन्वॉल्विंग ऑल द ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग एन एक्सरसाइज टू रजिस्टर द स्टेट इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स। ऋण के बारे में हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऋण की फुल फॉर्म याद है या नहीं। तो ऋण की फुल फॉर्म मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर जरूर और जरूर बताइएगा, बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा कि क्या आपको इसके बारे में आइडिया है, क्योंकि अभी हमने 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभिजीत सिन्हा कमेटी जो है वो ऋण से रिलेट करती है। कुछ और चीजें जो इस कमेटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली आप जानते हैं जो नागालैंड के अंदर ऋण एक्सरसाइज करी जा रही है, इट इज जस्ट लाइक जैसे कि असम के अंदर एनआरसी जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज करी जा रही थी अभी कुछ टाइम पहले, नागालैंड के अंदर कुछ ऐसी सिविल बॉडीज थी जिन्होंने यहां पर इस चीज में कहा गवर्नमेंट को कि आप एक बार दोबारा से सोच लीजिए कि ऋण की जो पूरी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इसको करने में कहीं आप कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। सो डिसीजन वॉज टेकन एट अ मीटिंग ऑन द इश्यू प्रिपेयरिंग फॉर द ऋण। जुलाई 2019 की बात करें, पिछले साल की, द नागालैंड गवर्नमेंट ने ऋण को जब लॉन्च किया था, ये असम के एनआरसी दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को का एक डिफरेंट वेरिएशन या एक वेरिएंट के तौर पर ही इसे देखा जा रहा था, क्योंकि जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन होती है जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम है या फिर नागालैंड है या फिर दूसरा राज्य है जिनका बॉर्डर टच होता है वेस्ट बंगाल या फिर जिनका बॉर्डर टच होता है म्यांमार से, वहां से इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से यहां पर इन राज्यों के अंदर रहने वाले जो इंडिजिनस हमारे लोग हैं उनको होती है परेशानी, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं फिर वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वर्क पुट ऑन होल्ड आफ्टर सम सिविल सोसाइटी एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे उन्होंने इसे अपोज करना शुरू किया। अब उन्होंने अपोज क्यों किया होगा, देखिए सिविल सोसाइटी और एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स थे उन्होंने ऋण को अपोज करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इन्फिल्ट्रेशन था जो यहां पर लोग बाहर से आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं एनकरेज किया जा रहा था और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, जो कि फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट के साथ ऐसे राज्यों के अंदर रह रहे थे, ऐसे राज्यों के अंदर जॉब भी ले रहे थे और इवन गवर्नमेंट स्कीम्स के जो फायदे होते हैं उनको भी यहां पर उनका भी लाभ उठा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर जो ऋण एक्सरसाइज है वो अभी काफी दोबारा न्यूज में थी रिज्यूम होने की वजह से, और इसी वजह से यहां पर इस कमेटी के बारे में भी डिस्कशन हमारा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बात कर रहा है, दो स्टेटमेंट्स देखिए आपसे पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडिया होस्टेड द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, सीएमएस के ऊपर जो 13th सीओपी हुई थी उसमें इंडिया ने होस्ट किया था, एंड इंडिया वॉज एबल टू सक्सेसफुली लिस्ट एशियन एलिफेंट एंड जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एंड बंगाल फ्लोरिकॉन टू द अपेंडिक्स 1 ऑफ सीएमएस। तो इंडिया जो था उसने इन तीनों जीवों को यहां पर अपेंडिक्स 1 ऑफ सीएमएस के अंदर शामिल कराने में वो सफल रहा था। जल्दी से बताएं। चलिए देखिए माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करिए, अभी हमने देखा था चोलिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो उनको मारा जा रहा है, लेकिन इंडिया ने इन माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं। अगर बात करें जब यहां पे इंडिया ने इसे होस्ट किया था सीएमएस को, तो यहां पे इंडिया ने काफी मेहनत करी थी और तीन जो स्पीसीज थे हमारे एशियन एलिफेंट्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकॉन, इनको अपेंडिक्स 1 सीएमएस के अंदर डालने में हम सक्सेसफुल रहे थे। इंडिया ने 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो थी इसमें होस्ट भी किया था और यहां पर सीएमएस के ऊपर ये सीओपी करी गई थी। दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका साल क्या था, अगर आप मुझे बता पाए, जब 13 सीओपी हुई थी जिसमें सीएमएस के अंदर जो हमारा बेसिक आप कह सकते हैं हमारा थीम था, तब इंडिया ने जब इसे होस्ट किया था वो कौन सा साल था? क्या वो 2019 था, 2020 था, या 2021 था, या कोई और साल था, ये बताइएगा मुझे। वैसे साल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन
ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, लेकिन पीसीएस ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और ईपीएफओ का तो आपका एग्जाम आने ही वाला है, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सी यहां पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सी। तो ब्लैक सी को लेकर यहां पर आपको बताना है, तो आपको बताना है यहां पे जो ब्लैक सी है उसमें इन चारों में से कौन कौन सी कंट्रीज जो है ओपन होती हैं। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने ब्लैक सी का मैप देखा होगा। वैसे आज से आई थिंक 2-3 दिन पहले हमने ब्लैक सी के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। बेसिकली क्वेश्चन जो था वो नॉर्थ सी के ऊपर था, लेकिन वो ब्लैक सी के पास पड़ता है, तो मैंने आपको ब्लैक सी के बारे में भी कुछ चीजें जो थी वो दिखाई थी। सी ऑफ अजोब के बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, अगर आपको याद हो तो। तो जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन सी कंट्रीज यहां पे जो है वो ब्लैक सी के अंदर खुलती है, फिर मैं आपको मैप दिखाऊंगा। 2 रशियन वॉरशिप्स क्रॉसेस द बोस्फोरस एन रूट टू द ब्लैक सी टूडे, और जो 15 स्मॉल वेसल्स थी उन्होंने भी अपना एक ट्रांसफर टू द सी जो था वो यहां पे कंप्लीट किया। तो इससे पता चल रहा है कि जो रशिया है वो अपनी नेवल प्रेजेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है ब्लैक सी और इसके आसपास के रीजन में, क्योंकि इसके जो रिलेशंस हैं वो काफी टेंस हो चुके हैं, और इसी वजह से खासतौर पर बात करी जाए यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो रशिया है उसके रिलेशन कुछ ज्यादा खास नहीं है आजकल के टाइम में। टेंशन जो है वो राइज कर रही है, और यही रीजन है जिसकी वजह से जो नेवल प्रेजेंस है रशिया के द्वारा ब्लैक सी और इसके आसपास के रीजन के अंदर बढ़ाई जा रही है। ब्लैक सी को एक बार देख लेते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन सी कंट्री यहां पे ओपन होती है। तो रशिया तो चांसेस काफी ज्यादा है, तो यहां पे आपको रोमेनिया दिख रही है, बुल्गेरिया दिख रही है, साथ ही साथ रशिया दिख रही है, आपको जॉर्जिया दिख रही है। सी ऑफ अजोव मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। बेसिकली सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी का ही एक एक्सटेंशन कहा जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो पिछली बार मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, नीचे आपको टर्की भी दिख रही होगी, और अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर वापिस आए तो यहां पर वही सारी कंट्रीज हैं। जॉर्जिया भी हमने मैप के ऊपर देखी थी, टर्की भी यहां पर थी सदर्न साइड में, रशिया नॉर्दर्न साइड में था, रोमेनिया भी हमने देखी थी। ठीक है, तो ये जो चारों कंट्रीज हैं ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर टच करती है, रोमेनिया हो, बुल्गेरिया हो, टर्की हो, रशिया हो, जॉर्जिया हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हमारा क्या था, आंसर विल बी डी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैप के जो क्वेश्चन है वो प्लीज अच्छे तरीके से करिएगा, बिकॉज मैप्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन द मैप, पुट द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको इन चार आइलैंड्स को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाना है। आपके सामने केमैन आइलैंड है, बहामास है, जमैका है, हीटी है, इनके नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे, बट आप में से कुछ ही लोगों ने इनको मैप के ऊपर भी लोकेट किया होगा, और वही लोग जिन्होंने ये एक्स्ट्रा मेहनत करी है वही इसी क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे, चाहे वो इन दस एमसीक्यूज के अंदर हो या फिर प्रीलिम्स के अंदर हो। तभी मैं कह रहा हूं कि मैप्स को जरूर करिए। यहां पे जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, मैं आपको इतना न्यूज बताता हूं। राउल कैस्ट्रो जो है कंफर्म दैट ही वाज हैंडलिंग और हैंडिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ ऑल द पावर क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी टू अ यंगर जनरेशन। तो यहां पे जो राउल कैस्ट्रो है काफी टाइम से क्यूबा के अंदर पावर को होल्ड किए हुए हैं, तो वो यंगर जनरेशन को पावर जो है वो यहां पर हैंड ओवर कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। ये पूरी न्यूज थी बेसिकली। तो क्यूबा जो था वो खास तौर पे काफी न्यूज में था। क्यूबा जो है नॉर्थन कैरिबियन में लोकेट करता है, कैरिबियन सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, और यहां पे जो इसकी कैपिटल सिटी है हवाना इज द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल, जो कि अभी मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाने वाला। देखें इसके आसपास में दूसरे आइलैंड्स भी हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होना काफी जरूरी है। हमें ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, तो एक बार मैप के ऊपर आ जाते हैं, वहां से हम इसको अच्छे से बेसिकली मैप कर पाएंगे। तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ ये होता है, तो हमें इस डायरेक्शन के अंदर लगाना है। सबसे पहले कौन सा, ईस्ट में देखेंगे तो हीटी सबसे पहले है, फिर किसका नंबर आता है, फिर बहामास का आता है, फिर किसका आता है, फिर जमैका का आता है, फिर आपका केमन आइलैंड होता है, क्यूबा जो है और हवाना जो है, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। तो एक बार अपना मैप के ऊपर देख लेते हैं ये सारे, और फिर आंसर को भी देख लेते हैं। अब एक बार इसे दोबारा देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। यस, तो यहां पे सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा हीटी जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट यही था, फिर आपका बहामास जमैका ऑलमोस्ट आसपास ही थे। बहामास जो है उसका स्ट्रेच ज्यादा है, इसी वजह से बहामास को पहले कंसीडर करेंगे, जमैका एंड देन केमैन आइलैंड आपका आंसर हो जाता है। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, मैप को जरूर देखते रहिए, बिकॉज मैप के ऊपर आपको ये चीजें और भी अच्छे से तरीके से दिखाई देंगी। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे आपको इंडिया और वर्ल्ड की जो जो चीजें हम डिस्कस करें उसके यहाँ पे स्नैपशॉट आपको दिखाता रहूँ, ताकि धीरे धीरे करके भी रोज अगर एक दो क्वेश्चन मैप के कवर करते हैं, संडे को 10 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो 12 एरियाज तो आपके एक हफ्ते के अंदर कवर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि MK-4482 के बारे में रिसेंटली न्यूज में थी, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। क्या ये कोई एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, टॉर्पीडो है, एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर कोविड की कोई ड्रग है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए आंसर्स आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होंगे, एंड इट इज अ रियली रियली गुड न्यूज, क्योंकि COVID-19 के टाइम पे एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग MK-4482 जो है, यहां पर इसके ऊपर स्टडीज करी गई और देखा गया सिग्निफिकेंटली डिक्रीज देखा गया वायरस का लेवल्स एंड डिसीज डैमेज ऑन द लंग्स। आप जानते हैं COVID-19 जो है, जब ये बीमारी किसी को होती है, ये जो आपका जो कंटेमिनेशन है वो होता है, तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम लंग्स को होती है। तो जब भी केसेस जो देखे हैं जहां पे फर्टेलिटी काफी ज्यादा हुई है, तो उसके अंदर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो या लंग्स को डैमेज हो, वो सबसे पहले देखा जाता है। तो उस चीज को रोकना काफी जरूरी था। बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो कि COVID-19 से रिकवर कर जाते हैं, वहां पर लंग्स तक उनके बात ही नहीं जाते, लेकिन जब लंग्स के ऊपर अटैक होता है या डैमेज वहां पर होना शुरू होता है, तो बचने के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो MK-4482 है उसके ऊपर जो स्टडीज करी गई उसमें यही देखा गया कि लंग्स जो है उनको बचाया जा सकते हैं, वहां पर इन्फेक्शन जो है SARS-CoV-2 दैट इज कोरोना वायरस का, वो कम देखा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी जो कि करी है फ्रॉम द साइंटिस्ट फ्रॉम US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH जिसको कहा जाता है, वहां पे ये स्टडी करी गई और ये पाया गया। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फाउंड किया कि MK-4482 जो है इसके ट्रीटमेंट से, ये बेसिकली काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, व्हेन प्रोवाइडेड अप टू 12 आवर्स बिफोर और 12 आवर्स आफ्टर इन्फेक्टिंग द हैमस्टर विद SARS कोरोना वायरस। तो है जो हैमस्टर्स थे उनके ऊपर ये स्टडी करी गई, कोरोना वायरस से उनको इन्फेक्ट किया गया, और 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद उनकी क्या सिचुएशन थी, वहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफी पॉजिटिव आए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोविड ड्रग इसको कहा जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारा जो अब शुरू होने वाला है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है एक्टिव रिविजन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अभी आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन आपकी यही हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, लेकिन रिवीजन जो होगी वो पैसिव रिवीजन नहीं होगी। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें बता चुका हूं आपको, यहां पर आप ही को चीजों को रिकॉल करना है और आंसर करना है। Aditya L1 के अंदर जल्दी से मुझे बताएं कितने पेलोड्स जाने वाले हैं, कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, साथ ही साथ ये चीज भी इसके अंदर जानने को है कि Aditya L1 सपोर्ट सेंटर जो है इसको बनाया जाएगा, और यहां पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जो प्रोविजन है वो रखे जाने वाले हैं। एरीज जो है वो अपना डेटा सेंटर भी हल्द्वानी के अंदर बनाने वाला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। 7 पेलोड्स को ये लेके जाएगा। Aditya L1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया था, जहां पे आप ही लोग आंसर करेंगे, चौलिस्तान कहां पर लोकेट करता है, जल्दी से बताइए। यहां पर 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था उनको मार दिया गया था, इसी वजह से चौलिस्तान डेजर्ट जो कि हमारे जो थार डेजर्ट है उसी का एक एक्सटेंशन माना जाता है, वो पाकिस्तान के साइड में लोकेट करता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जल्दी से ये भी बताएं किस राज्य का, किस भारतीय राज्य का आपका नेशनल बर्ड है। यस इट इज, यस क्या आंसर है, राजस्थान। देन हमने नेक्स्ट देखा था रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट के बारे में, कहां पर लोकेट करता है, बेसिकली कहां पर ये आ रहा है, ये इसके बारे में पूछा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवे ने अभी अप्रूवल जो था वो इसको दे दिया था, तो ये जो आने वाला है ये बहुत जल्दी उड़ीसा के अंदर आने वाला है। कौन कौन से एरियाज को कवर किया जाएगा वो भी मैंने आपको मैप के ऊपर भी दिखाए थे, और जो 6 घंटे की पूरी दूरी होती थी, जो ट्रैवलिंग टाइम होता था, उसको 1 घंटे में अब तब्दील कर दिया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने WPI CPI के बारे में डिस्कशन किया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI के अंदर क्या गुड्स होती है, यस और नो ये बताइएगा, क्या सर्विसेज होती है, यस और नो ये बताइएगा। इट ट्रैक्स बेसिक प्राइसेस डिवाइड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, कॉस्ट, टैक्सेस या फिर रिटेल मार्जिन इसके अंदर नहीं होता है। WPI ट्रैक्स प्राइसेस एट द होलसेल और फैक्ट्री गेट मंडी लेवल के अंदर। ठीक है, चलिए देन हमने इसके बाद डिस्कशन किया था WPI CPI के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, जल्दी से बताइए। UNFPA के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके अंदर जो इस बार का थीम था वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या था इस बार का थीम। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का थीम मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आपका जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है, क्रैश कोर्स, इसको आप एनरोल करा सकते हैं अगर 2022 के लिए तैयारी करें। 2021 के लिए अभी इसका टाइम नहीं है आपके पास, ऑलरेडी द शिप इज सेल्ड, तो अभी 2022 के लिए जो लोग तैयारी करें वो इन क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करा सकते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है UPSC के बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन UPSC 2022।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने देखा था अभिजीत सिन्हा कमेटी के बारे में, तो ये बेसिकली थी किसके ऊपर, जल्दी से बताइए, ऋण के ऊपर। ऋण कहां पे किस पर्टिकुलर स्टेट से एसोसिएट करता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था ऋण से, एनआरसी को डिस्कस किया था, एनआरसी ऋण के बाद हमने कुछ और चीजें डिस्कस करी थी, और यहां पर हमारा जो डिस्कशन था वो सीएमएस को लेकर हुआ था, 13 सीओपी, और यहाँ पे एलिफेंट से लेकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बंगाल फॉरिकन को अपेंडिक्स वन में डाला गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये 13 सीओपी को इंडिया ने होस्ट किस साल में किया था, ये मुझे साल जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इंडिया जो है माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए काफी सारे स्टेप्स भी ले रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन है वो देख लेते हैं किस चीज के ऊपर होने वाला है। यहां पे मैंने आपसे पूछा था ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्रीज ओपन होती हैं, रशिया जो है, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज का इसकी टेंशन चल रही है, इसी वजह से जो पूरी सिक्योरिटी है नेवल फोर्सेस की वो बीफ अप करी जा रही है किस एरिया के अंदर, ब्लैक सी और इसके आसपास के एरिया के अंदर। जल्दी से बताइए चारों में से कौन कौन सी कंट्री थी जो ब्लैक सी में ओपन होती है, मैंने नाम बताए थे आपको, एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे जो ओपन अप हो रही है। तो यहाँ पे आपकी रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की, बुल्गेरिया, रोमानिया, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सी ऑफ अजोब जो है वो भी ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो कि ब्लैक सी के एक एक्सटेंशन माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं। वहां पर आपसे ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए पूछा गया था, जिसमें हीटी, फिर बहामा, जमैका, केमन आइलैंड हमने देखा था, ठीक है। क्यूबा की कैपिटल बताई थी आपको, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। MK4482 क्या है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पे NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो यूएस का है वहां पर ये स्टडी करी गई है, और इसमें MK4482 के जो रिजल्ट्स है स्टडी के काफी अच्छे आए हैं, और जो लंग को डैमेज किया जाता है कोविड के द्वारा उसको रोकने में इसने हेल्प करी है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी प्रिलिम्स की जो हमने पूरी डिस्कशन करी वो काफी अच्छे से हुई। एक बार प्रिलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है MCC, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन है, तो लेट्स सी कितने लोग इस चीज को रिकॉल कर पाते हैं, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर आपको बताना है पहला तो ये चीज कि जो MCC है ये कब से पावर में आता है, ठीक है, कब से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कब तक इंप्लीमेंटेड रहता है, तो किस पॉइंट पे ये इंप्लीमेंट किया जाता है और किस पॉइंट तक इसे इंप्लीमेंट रखा जाता है, क्या जब इलेक्शन शुरू होते हैं तब तक, या फिर इलेक्शन खत्म होते हैं तब तक, या फिर ये कोई और पीरियड है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। If you want to win the free PDF, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पुराने लेक्चर जहां पे मैंने इस पूरे टॉपिक को आपको पढ़ाया था उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मेंस का क्वेश्चन है वो देख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वेदर इज इट WPI और CPI विच इज मोर रेलिवेंट, एक्सप्लेन करिए कि भारत के हिसाब से क्या WPI ज्यादा अच्छा है या CPI ज्यादा अच्छा है, और कारण उसके जरूर बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा इसको। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, चाइना जो है एक बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है वो सारी कंट्रीज को शो करता है एशियन रीजन के अंदर। आप एक इंडियन डिप्लोमेट है, ठीक है, आप एक IFS ऑफिसर है और आपको पोस्ट किया गया है चाइना के अंदर, आप इसका सोल्यूशन कैसे देंगे, आप इस पूरे चीज को कैसे टैकल करेंगे। चलिए, तो यहां पे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के बेसिकली आपके ग्रुप बने हुए हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर द टेलीग्राम ग्रुप, और मेंस और इंटरव्यू के जो अलग अलग ग्रुप है वहां पर अपने अपने आंसर को आप सबमिट कर दीजिएगा, और जो वेरियस सीरीज है इसको आप एनरोल करा सकते हैं। साथ ही साथ द सेकंड चैनल इज ऑल्सो ओपन फॉर यू, इसको आप एनरोल कर लीजिएगा। नेटमॉक UPSC इज द नेम ऑफ द सेकंड चैनल, जहां पर आपको लाइव सेशंस जो है वो अभी दोबारा से रिज्यूम किए जाने वाले। मार्क्स जितना आपने स्कोर किया है, चाहे जीरो ही क्यों ना स्कोर किया हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करते जाते हैं वो मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं, और वो आपके मार्क्स UPSC प्रीलिम्स के अंदर भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। देन टेलीग्राम के अंदर आपको जो PDF है वो मिल जाएगी रात को 10 बजे, इसका लिंक जो है टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प अस एंड मोटिवेट अस एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई सी यू नाउ डे विद वेरियस अदर लेक्चर्स, बिकॉज जो हमारा YouTube चैनल है उसके ऊपर दूसरे लेक्चर्स भी आज होने वाले हैं। सो आई सी यू देयर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।